गुड मॉर्निंग डियर वन यू आर स्टडिइंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड टूडेज टॉपिक इज साइंटिफिक नोटेशन वॉट इज साइंटिफिक नोटेशन इस बात को समझते हैं साइंटिफिक नोटेशन इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स दैट आर टू लार्ज और टू स्मॉल टू बी कन्वीनियंटली रिटर्न इन डेसिमल फॉर्म दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन ओके जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल से क्लियर होगा केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स विच हैव एक्सट्रीमली लो एंड आर प्रजेंट इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर फॉर एग्जाम्पल टू ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस हैज सच अ मॉलिक्यूल सच अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस द मास ऑफ ईच हाइड्रोजन एटम इज ऑल्सो फाउंड टू बी as small as this much figure in gram similarly many other constant such as planck's constant speed of light charge on particles involve number of similar magnitude okay ऐसी figure जब हमें मिलती है chemistry के अंदर जो कि बहुत बड़ी भी है या फिर बहुत छोटी ये बड़ी दिख रही है आपको बहुत बड़ी फिगर है और ये क्या है बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल फीगर ऐसी फिगर को हम जब कन्वीनियंटली अपनी सुविधा के अनुसार जो है कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड का उपयोग करते हैं उस मेथड को ही हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं जैसा कि मैंने शुरुआत में डेफिनेशन बताई आपको साइंटिफिक नोटेशन इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स दैट आर टू लार्ज एंड टू स्मॉल टू बी कन्वीनियनटली रिटर्न इन डेसीमल फॉर्म इनको हम डेसीमल फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमें कैल्कुलेशन करने में क्या हो सहूलियत हो ईजी हो कैसे करते हैं फिर इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व उसके लिए कुछ तरीके यहाँ पर समझाए गए हैं मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाई यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनको साइंटिफिक नोटेशन में का प्रयोग करते हुए हम सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इं टू टेन टू द पावर एन ये चीज़ आप याद कर लेना एन इंटू टेन टू द पावर एन है जहां एन क्या है एक्सपोनेंट है घात उसकी पावर है एक्सपोनेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू इसकी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है इस एन की और कैपिटल एन क्या है कैपिटल एन कैन बी वन टू टेन एक से लेकर दस तक ये हो सकता है कैपिटल एन अब एक एग्जांपल से क्लियर होगा फॉर एग्जांपल वी कैन राइट वन थर्टी सिक्स पॉइंट टू टू फाइव एज वन पॉइंट थ्री सिक्स टू टू फाइव इंटू टेन टू टू ठीक है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे क्यों कैसे किया हमने क्या किया यहाँ से डेसिमल के दो प्लेस ये दो प्लेस हम लेफ़्ट को मूव हो गए लेफ्ट को मूव हो गए तो वन वन थर्टी सिक्स पॉइंट टू टू फाइव को हमने लिखा वन पॉइंट थ्री सिक्स टू टू फाइव अब टेन की पावर में लिख दिया टू क्यों लिखा क्योंकि टू प्लेस हम लेफ्ट साइड को मूव कर रहे हैं इसलिए हम टेन टू दावर टू लिखेंगे लेफ्ट साइड में प्लस टू लिखेंगे ठीक है अब जैसे एक फिगर और है जैसे जीरो पॉइंट जीरो 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 टू फाइव को हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर वन टू थ्री फोर माइनस फोर राइट साइड में मूव करेंगे तो टेन टू दावर माइनस फोर डेम को हम राइट right साइड में ले गए टू पॉइंट फाइव किया तो कितने प्लेस गए वन टू थ्री फोर फोर प्लेस गए तो टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर हो जाएगा है ना इस फिगर को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं अब जो ये फिगर हमें मिली हैं इनको सॉल्व करने के लिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट ओके नाउ परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन नंबर्स एक्सप्रेसड इन साइंटिफिक नोटेशन द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी मेमोराइज कुछ पॉइंट्स हैं साइंटिफिक नोटेशन को आ, मैं लिखने के लिए उन पॉइंट्स को आपने आ, ध्यान में रखना है कैसे ये होता है अब कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप ध्यान से देखें एक दो आप कर लेंगे तो उसके बाद आप खुद ही कर लेंगे जैसे मल्टीप्लीकेशन एंड डिविज़न मल्टीप्लीकेशन और डिविजन के केस में क्या रूल है दीज टू ऑपरेशन फॉलो द सेम रूल विच आर फॉर एक्सपोनेंशियल नंबर मतलब जैसे 5.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द फाइव को मल्टीप्लाई किया गया है 6.9 पॉइंट नाइन इंटू टेन टू द एट से आप जानते ही होंगे मल्टीप्ली केसन जब हम मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है वही किया गया है यहाँ पर फाइव पावर टेन एक्सपोनेंशियल कितना है इधर फाइव है इधर कितना है एट है जिसको हम पावर भी कहते हैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल कहा गया है एक्सपोनेंट क्या आ गया है फाइव और एट है इन दोनों को ऐड कर देंगे और इन दोनों को फाइव पॉइंट सिक्स और सिक्स पॉइंट नाइन को मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर थर्टी एट पॉइंट फाइव फोर आया वैल्यू इतनी वैल्यू आई और इन दोनों को ऐड किया पावर को ऐड कर दिया तो थर्टीन आ गया तो ये हो गया थर्टी एट पॉइंट फाइव फोर इंटू टेन टू द पावर थर्टीन ठीक अब ऐसी ही एक और दी है फिगर जैसे नाइन पॉइंट एट नाइन पॉइंट एट इंटू टेन टू द पावर माइनस टू इंटू टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स सेम चीज़ है ये भी तो हम इनको पहले पावर ऐड कर देंगे माइनस टू ये है माइनस सिक्स ये माइनस एट हो जाएगा पावर और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर नाइन पॉइंट सॉरी थ्री पॉइंट नाइन सिक्स आया है और पावर हमने ऐड किया तो माइनस एट आ गया थ्री पॉइंट नाइन सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस एट होपिंग कि आप समझ गए होंगे क्या किया हमने पावर को ऐड कर दिया इस केस में अब डिवीज़न के केस में क्या होता है डिवीजन के केस में जैसे टू पॉइंट सेवन इंटू टेन टू द माइनस थ्री अपॉन फाइव पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द माइनस टेन टू द फोर है हम टेन टू द फोर को ऊपर ले आएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा तो इसको डिवाइड करेंगे टू पॉइंट सेवन को डिवाइड करना है फाइव पॉइंट फाइव से फिर टेन टू द माइनस थ्री ऑलरेडी है और इसको हम ऊपर ले गए तो ये भी माइनस हो गया माइनस थ्री एंड प्लस माइनस फोर uh, हो गया तो ये दोनों माइनस सेवन हो जाएंगे माइनस सेवन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर फिगर आ रही है जीरो पॉइंट फोर नाइन जीरो नाइन इंटू टेन डी दावर सेवन इट इज आल्सो सिंपल अब ये तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस था अब है एडिशन एंड सब्टशन इसमें क्या करते हैं देखिए फॉर दीज टू ऑपरेशन फर्स्ट नंबर आर रिटर्न इन सच अ वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट ऐसे ऑपरेशन करने के लिए एक्सपोनेंट को पावर को हम पहले इक्वल कर लेते हैं तब जाके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं पावर को दोनों साइड में दोनों जगह पर इक्वल कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं ऐड करना है तो ऐड करेंगे सबट्रैक्ट करना है तो सबट्रैक्ट करेंगे एक एग्जांपल देखिए क्लियर हो जाएगा फॉर एडिंग सिक्स पॉइंट सिक्स फाइव इंटू टेन टू द पावर फोर एंड एट पॉइंट नाइन फाइव इंटू टेन टू द पावर थ्री आप देख रहे हैं एक्सपोनेंट यहाँ पर फोर है यहाँ पर कितना है थ्री है इक्वल नहीं है तो इक्वल करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए हम डेसिमल को खिसकाएंगे तो इस केस में अगर हम लेफ्ट में चले जाते हैं तो डेसिमल को मैं ज़ीरो पॉइंट एट लिख दूं तो ये decimal, टेन की जो पावर है वो फोर हो जाएगी थ्री है ना एक एक प्लेस में लेफ़्ट को चला जा रहा हूँ तो फोर हो जाएगी तो फिर उसके बाद ऐड कर लेंगे वही किया गया है यहाँ पर सिक्स पॉइंट सिक्स फाइव इंटू टेन टू द पावर फोर एज इट इज है ये और इसको वन प्लेस डेसिमल का लेफ्ट को मूव कराया गया है तो वन प्लेस किया है तो थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा तो ये आ, टेन एक्सपोनेंट दोनों में इक्वल हो गए हैं अब दोनों को ऐड कर देंगे ऐड किया तो ये आ रही है वैल्यू सेवन पॉइंट फाइव फोर फाइव इंटू टेन टू दावर फोर सिमिलरली सब्सट्रक्शन ऑफ टू नंबर कैन डन इसमें भी वही करते हैं एक्सपोनेंट को इक्वल कर लेते हैं जैसे यहाँ पर सब्सट्रैक्शन uh, का एग्जाम्पल दे रखा है टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस टू माइनस फोर पॉइंट एट इंटू टेन टू माइनस थ्री ठीक है एक्सपोनेंट आप देख रहे हैं यहाँ माइनस टू है यहाँ माइनस थ्री दोनों को इक्वल करना पड़ेगा हमें हम इसमें इसको इक्वल करते हैं तो हम क्या करेंगे वन प्लेस लेफ्ट को मूव करेंगे लेफ्ट को मूव करेंगे तो लेफ्ट को मूव करने पर वन प्लेस मूव करने पर टेन की पावर वन आती है प्लस की आती है तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है माइनस थ्री है माइनस थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा समझ रहे ना बात को वही चीज़ किया गया है ये तो एज इट इज लिखा गया है और इसको इस डेसिमल को यहाँ लगा दिया गया है और माइनस थ्री प्लस वन वन प्लस मूव हुए तो प्लस वन हो जाएगा माइनस टू आ जाएगा तो उसके बाद सबटैक्ट कर देंगे इसको ठीक है सब करने के बाद वैल्यू आती है टू पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस टू ये वैल्यू आपको प्राप्त होती है अब ये तो आपने पढ़ लिए होंगे मैंने भेजे थे वीडियो में मैं ये ये टो तो किसी कहते हैं ऑटो तो किसी कहते हैं जेटा योटो तो किसी कहते हैं ये आप याद कर लेना अच्छा अब ये है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन ये कुछ फिगर दी गई हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है आपको मैंने बताया था एन इंटू टेन टू द पावर एन के रूप में लिखते हैं एन इंटू टेन टू द पावर एन के रूप में लिखते हैं अब ये है वन वन एट सिक्स जीरो 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 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आप लिखोगे इसके रूप में वन ये एन क्या है एन वो एक से लेकर नौ तक हो सकता है ये दस तक हो सकता है और टेन टू दी पावर ये वाला एन क्या है एक्सपोनेंट है तो वन पॉइंट लिख देंगे वन पॉइंट कितने डेसिमल प्लेस ले रहे हैं हम वन टू थ्री फोर फाइव वन पॉइंट टेन टू दावर फाइव हो जाएगा इसका साइंटिफिक नोटेशन वैसे इसको फोर जीरो जीरो सेवन है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो फोर पॉइंट जीरो जीरो सेवन इंटू टेन टू दी पावर वन टू थ्री थ्री हो जाएगा अब इसको लिखना है जैसे आपको तो सिक्स पॉइंट लिखेंगे अब आप डेसिमल को कहाँ ला रहे हैं राइट right साइड में ला रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा सिक्स पॉइंट एट इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री वन टू थ्री ठीक है अब जैसे इसको सेवन हंड्रेड को लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में तो सेवन पॉइंट जीरो uh, कर लो या सेवन पॉइंट सेवन कर लो सेवन इंटू टेन टू दी पावर कितने प्लेस हैं टू ठीक है अब ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी वन प्लेस में डेसिमल uh, लगाया तो इसको चेंज नहीं कर सकते ठीक है होपिंग की समझ रहे होंगे आप थोड़ा प्रैक्टिस करना घर में भी अब जैसे कुछ एग्जाम्पल ले दिए हैं यहाँ पर उसको मैं समझाऊँ आपको एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऐसा ही बेस यूनिट यूजिंग पावर ऑफ टेन नोटेशन पावर ऑफ टेन नोटेशन ऐसा यूनिट में लिखना है जैसे वन पॉइंट थ्री फाइव एम 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 मिली मीटर मिली मीटर यूनिट नहीं होती है लेंथ की लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर कहने का मतलब वन पॉइंट थ्री फाइव एम एम को हमें मीटर में बदलना है हम जानते हैं वन मीटर इक्वल टू टेंट टू दावर थ्री एम एम होता है थ्री मिलीमीटर होता है तो वन पॉइंट थ्री फाइव एम एम इक्वल टू वन पॉइंट थ्री फाइव इंटू थ्री माइनस थ्री हो जाएगा ठीक है मीटर इतनी ये वैल्यू आ जाएगी अब अगला है वन डे वन डे जो है ऐसा यूनिट नहीं है डे ऐसा यूनिट नहीं है ऐसा यूनिट टाइम की क्या होती है सेकंड होती है तो वन डे को सेकंड में बदलना है इसका मतलब ये हुआ कि वन डे को हमें किस में बदलना है सेकंड में बदलना है हम जानते हैं वन डे हैज़ ट्वेंटी फोर आवर इसलिए 24 फोर इंटू मिनट हो जाएगा सेकंड में बदलने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे 24 फोर इंटू सिक्सटी इंटू इतने सेकंड हो जाएंगे वन डे में है ना तो दियर फोर वन डे इक्वल टू ट्वेंटी फोर इंटू सिक्सटी इंटू सेकंड आ जाएगा अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे वन टू थ्री फोर फोर टेन टू दावर फोर आ जाएगा एट पॉइंट सिक्स फोर इंटू टेंट टू दावर फोर से करना जाएगा आ रही है बातें समझ में इस ढंग से आप करेंगे ओके थैंक यू